देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में बीते 10 सितंबर को एक अधेड़ व्यक्ति की गला रेतकर हत्या मामले में पुलिस ने 4 दिनों में न केवल हत्याकांड का खुलासा कर दिया बल्कि हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स मृतक अधेड़ के बेटे और दामाद बताए जा रहे हैं। सुपौल पुलिस अधीक्षक शैशव यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि बीते 10 सितंबर की शाम पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कटैया माहे वार्ड नंबर 6 स्थित रामानंद मंडल के आम के बागीचे में मिट्टी में गाड़ा एक शव मिलने की सूचना मिली थी, जिसके आलोक में पिपरा थाना अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह अपने थाना के दलबल के साथ वहां पहुंचे और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रथम दृष्टया शव को देखने पर पाया गया कि मृतक की गला रेत कर हत्या कर मिट्टी में दफनाया गया है। मृतक की पहचान पिपरा थाना क्षेत्र के रामपुर पंचायत राजपुर बेला टोला वार्ड नंबर 5 निवासी सूरत लाल मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने मृतक की पत्नी कौशल्या देवी के फर्द बयान पर दामाद विजय कुमार उर्फ महादेव मंडल एवं पुत्र प्रकाश कुमार सहित अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के विरुद्ध प्राथमिकी विगत 13 सितंबर को दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस क्रम में पाया गया है कि मृतक अधेड़ सूरतलाल मंडल मानसिक रोगी था, जिसके कारण परिवार में अक्सर परेशानी बनी रहती थी। एसपी ने बताया कि पुलिस आरोपी दामाद विजय की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कचिया कुदाल बाइक सहित खून लगा हुआ कपड़ा भी बरामद कर लिया है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस को यह बताया कि मृतक अक्सर घर का सामान चुरा कर कहीं अनन्य जगह बेच दिया करता था। वहीं घर में भी अक्सर सभी सदस्यों को मारपीट कर और गाली गलौज करता था। मृतक हत्या वाली रात भी साइकिल से मेला देखने के लिए निकला था, लेकिन वापस लौटा तो साइकिल बेच चुका था। उसको लेकर पहले परिवार में कहासुनी हुई और फिर रस्सी से हाथ बांध कर मृतक सूरतलाल मंडल को अज्ञात स्कॉर्पियो में लाद कर घटना वाली जगह पर ले गया, जहां उसकी निर्मम हत्या कर मिट्टी में शव को दफना दिया गया है। 10/9/23 को पिपरा थाना अंतर्गत एक शव मिला था, जिसका गर्दन कटा हुआ था। ये रामनंदन मंडल के बगीचा में मिला था। शव की पहचान की गई अनुसंधान के क्रम में और यह पता चला कि यह सूरतलाल मंडल साकिन राजपुर थाना पिपरा का ये शव है। अग्रतर अनुसंधान की गई। अनुसंधान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि ये मानसिक रूप से बहुत स्वस्थ नहीं रहते थे और उससे परेशान होकर काफ़ी घर के सदस्य और इनके बाल बच्चे परिवार सब लोग परेशान रहते थे। उसी वजह से इनका बेटा और इनका दामाद, ये दो व्यक्ति ने मिल के इनको मारने की साजिश रची और उसके बाद ये एक गाड़ी ला करके इसको इलाज के बहाने ले गए। इनका दामाद है महादेव मंडल, विजय कुमार उर्फ महादेव मंडल, और उसके साथ वो बगीचा में ले गए और घर से ही हाथ बांध करके ले गए थे। और बगीचा के बगल में एक नहर है, रोड जहाँ पर उतरती है वहाँ से उतर कर ये इसको नहर में ले गए और कचिया से इसका गर्दन काट के इसकी हत्या कर दी है। अनुसंधान के क्रम में उसकी गिरफ्तारी हो गई है। एक बेटा है प्रकाश कुमार, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। विजय कुमार उर्फ महादेव मंडल दामाद है, उसी भी गिरफ्तारी हो गई है। दोनों ने घटना को कन्फेस कर लिया है। घटना में प्रयुक्त कचिया उसको भी रिकवर कर लिया गया है और अगतः अनुसंधान जारी है। यह अनुसंधान का विषय है। अभी तक जो अनुसंधान में यही तथ्य आया है, अगतः अनुसंधान जारी है और जो भी इसमें संलिप्त होंगे, जिस पर भी साक्ष्य आएगा, उन पर कार्रवाई होगी।